tava, nem. Aham, te dá, aham. इट्स अ नेक्स्ट डे और आज भी अपन को स्प्रे करना है तो फटाफट से निकलते हैं अपने नॉर्थ फार्म की तरफ। तो भाई अपन पहुंच गए अपने नॉर्थ फार्म और भाई दवाई बहुत ज़्यादा जल रही है यार, इसमें से एक दो बूंद मेरे ऊपर आ गई और इधर से जब अपन उतार इधर नीचे निकालेंगे ट्रैक्टर को नीचे उतारेंगे तो और ज़्यादा चांसेस हैं कि दवाई मेरे ऊपर चार छः बूंद या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाए। भगवान करे कि ऐसा ना हो वरना मुझे बहुत ज़्यादा जलन होगी। लोग के पहले में ले जा रहा हूँ बहुत से लोली छोड़ोली और फ़ोन में बंद कर देता हूँ वरना मेरा भीगना पक्का है। तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो अपन ने एक बोतल इसमें घर पे ही डाल दी थी और एक अब डाल लेते हैं और अपन इसमें डाल रहे हैं डेनिटोल और इसके साथ है एक कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, ये स्टेम वगैरह के लिए होता है। और ये अपने कुछ प्लॉट की कंडीशन, इसमें भी कुछ एक दो येलो मोजेक के पौधे दिख रहे हैं तो इनको भी बाहर निकलवाना पड़ेगा खेत से। बाकी अभी तक वीट कंट्रोल ठीक ठाक है लेकिन नया कचरा निकलना स्टार्ट हो गया है तो उसको 15-20 दिन बाद लेबर से हैंड पिकिंग करवानी पड़ेगी। लो जी सर आज अपन दवाई डाल रहे हैं गन से, कल अपन रोड से डाल रहे थे तो डैडी ने बोला कि गन से डालो, गन से ज़्यादा दवाई भी नहीं लगती है। जैसे रोड से अपन दवाई डाल रहे हैं तो उससे अपनी लगभग 5 एकड़ में डलेगी, इससे 6-7 एकड़ में डलेगी। तो भाई कमेंट में बताओ आपके यहाँ येलो मोजेक की शिकायत आ रही कि नहीं। ये देखो ये है यहाँ पे जैसे आपके यहाँ पे पौधे हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। ये देखो भाई 2117 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है 2117 में और अपने M85 में। वैसे दोनों वेराइटियाँ ठीक नहीं हैं, अगले साल से अपन दोनों वेराइटी को अलग करेंगे पर 2117 बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हदई से ज़्यादा कमज़ोर है। और इस बार ये अपन ने जो गलती की है वो बीज के मामले में की है और कोई गलती नहीं की है। हर्बिसाइड का एप्लीकेशन सही टाइम पर किया है, इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन सही टाइम पर किया है, सब कुछ सही किया है। बस एक छोटी सी गलती हो गई है कि अपन ने थोड़ा सा गलत बीज चुन लिया है पर ऐसी कुछ बात नहीं है कि ज़्यादा ही बड़ा कुछ काम हो गया हो। हाँ अब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी लेकिन उत्पादन वगैरह में शायद कमी नहीं आएगी, अपन मेहनत कर लेंगे तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। जैसे जो पीले पौधे हैं उनकी हैंड पिकिंग करवानी पड़ेगी और स्प्रे वगैरह हैं वो थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो अभी तक अपने 2 स्प्रे हो गए हैं, फसल लगभग 25 से 28-29 दिन की हो गई होगी, लगभग एक ही महीने मान के चल सकते हो कि एक महीने में अपन ने 2 स्प्रे कर दिए हैं 15 दिन पे फिर 28-29 दिन पे। अब अपन 15-20 दिन तक शायद कोई स्प्रे नहीं करेंगे, 15-20 दिन की बात करेंगे जो भी करेंगे। और भाई मुझे आज सागर के लिए निकलना था पर मैं नहीं गया हूँ, मैंने सोचा कि चलो स्प्रे का काम ख़त्म करवा देते हैं आज, अपना स्प्रे का काम ख़त्म हो जाएगा और मैं ट्राई करूँगा कि धान भी लगनी स्टार्ट हो जाए। भाई इधर आप कचरा चेक करो कितना ज़्यादा कचरा है, इधर अपन ने हर्बिसाइड डाली थी और अगर वो न डालते तो आज क्या होता है यहाँ पर। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का कचरा है, इसकी कोई दवाई नहीं आती, मरता भी नहीं है, इसको मारेंगे तो सोयाबीन भी साथ मर जाएगा। एक टंकी खाली हो गई, अब दूसरी भरने के लिए जा रहे हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत बेहतरीन ऐप जिसमें आप डेली के 1500 से 3000 रुपए कमा सकते हो। बस आप लोगों के लिए करना क्या है कि उसमें बिग या स्मॉल सेलेक्ट करना है, अगर आपने बिग सेलेक्ट किया और वो बिग ही आ जाता है तो आपके पैसे सीधे सीधे डबल हो जाते हैं। बस आप लोगों के लिए करना क्या है कि जो नीचे लिंक दे रखी है वहाँ से जाके लॉगिन करना है और फिर उसके लिए खेलना है। स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे कैसे पैसे कमाता हूँ।
तो भाई ये आ गया अपन ऐप के अंदर, और इधर मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ पूरे के पूरे 2000 रुपये की। तो फटाफट से अपन बैट लगा देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो लगभग 20-25 सेकंड में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखो 3, 2, 1 ये आ गया रिजल्ट। देखते हैं जीता हूँ नहीं। लो जी सर, मैं जीत गया। सोयाबीन बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। हाय पत्ते पलट गए हैं, देखो हवा चल रही है, शायद आज पानी आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा बादल है नहीं, छोटा ही सा है, कभी भी यहाँ वहाँ हो सकता है। गर्ज देखो वहाँ पर कितनी घनघोर घनघोर बादल, कुछ नहीं दिख रहा है पहाड़ पे। गिर जाए भाई, रात को गिर जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे अपन इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन किया है, 2-2.5 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर वो अपना काम कर देगा। और अगर रात दिन भर ना गिरे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन पानी गिर जाए भाई स्प्रे तो अपन फिर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे देखो नमी बिल्कुल, अंदर जाओ तो नमी है, ऊपर बिल्कुल सूख चुका है। तो भाई देखो भाई वहाँ पे कितनी तेज़ बारिश हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है, और इधर कुछ नहीं है, इस तरफ कुछ नहीं, सब सूखा डला है। और वो भाई पानी ऐसे ऐसे करके वहाँ से पहाड़ पहाड़ पे बस गिरेगा और कहीं नहीं गिरेगा, जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पे गिरेगा, इधर मैदानों में नहीं आने वाला है। इसीलिए बोलता हूँ पेड़ पौधे लगाओ, अपन ने लगाए हैं कम से कम 15-20 आम के पेड़। तो भाई अब अपन को इस नदी के अंदर से ट्रैक्टर निकालना है, तो चलो निकालते हैं। मॉर्निंग हाफ खत्म हो गया है और अपन स्प्रे से हो गए हैं फ्री, और अपन ने पूरे में स्प्रे कर दिया है आज। अब इवनिंग हाफ में अपन धान लगाएंगे, मैसी से गड़ैया मचाएंगे और धान लगाएंगे। तो घर पे चलते हैं, नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, रेस्ट करते हैं, फोन चार्ज करते हैं और फिर आते हैं, और फिर मैसी से गड़ैया मचा के आज पूरा काम, दवाई मैंने डलवा दी, धान आज अपन लगवा देंगे। शाम तक कुछ लेबर भी आए हैं, तो मतलब जितना काम था मेन वो अपन ने कर दिया है, और मेन काम खत्म करने के बाद अपन निकल जाएंगे अपने कॉलेज के लिए, टेंशन फ्री हो गए। लगभग 10-15 दिन तक तो अब कोई स्प्रे करना है नहीं, तो अब स्प्रे का कोई टेंशन है नहीं। धान वान वगैरह जो है, खाद वाद थोड़ा बहुत डलेगा तो वो डैडी डलवाते रहेंगे, भैया डलवाते रहेंगे। अब अपन ने अपना काम कर दिया है, अपन चलते हैं कॉलेज, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हैं और पेपर दे के आते हैं, और वहाँ पे जाके अपन जिम वगैरह भी करेंगे और फुल मस्ती फुल मजे सब करेंगे। तो बस चलते हैं। तो भाई इवनिंग हाफ हैज बीन स्टार्टेड, और दोपहर में थोड़ी सी बारिश हो गई, पीछे देखो पानी भरा हुआ है। अपन ने दवाई डाली, उसके 1.5 से 2 घंटे बाद बारिश हो गई है, तो कोई ना थोड़ी बहुत दवाई काम करेगी, मतलब 70% दवाई काम करेगी और 30% दवाई वॉश आउट हो गई होगी। चलो कोई ना, जो है बढ़िया है, पानी गिर गया उससे बड़ी बात कुछ नहीं है, ऐसे ही गिरा है पानी 20-30 मिनट पर, हाँ ठीक ठाक पानी हो गया है, अच्छा तेज पानी आया था। अब अपन चलते हैं धान वगैरह लगवाते हैं, लेट्स गो। लेबर्स हैं अपने पास, सुबह कुछ लेबर सोयाबीन की निंदाई कर रहे थे, सोयाबीन में काफ़ी ज़्यादा दूधी के पेड़े थे तो उनको निकाल रहे थे, तो अब तो वो काम बनेगा नहीं, तो अब अपन उनसे धान वगैरह लगवा लेते हैं। फटाफट से चल रहे हैं मैसी के पास में, गाड़ी मैंने वहीं पर खड़ी कर दी है क्योंकि वो यहाँ पे आ नहीं रही है। मैसी के पास चलते हैं और फटाफट से गड़ैया तैयार करते हैं, धान की नर्सरी निकलवाते हैं और धान लगवाते हैं। पानी गिरा बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन सोयाबीन की रौनक बदल गई है। लो जी सर, अपन मैसी को उठा लाए हैं, और ये देखो इतनी बारिश हुई है, ठीक ठाक बारिश हो गई है। चलते हैं फटाफट से, एक आखिरी गड़ैया रह गई है तो उसको तैयार करते हैं। हाँ हाँ चीता, हाँ 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 हाँ
हाँ जल्दी 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 दवा दवा चलो बन गया काम मित्रों। चलो भाई करते हैं काम शुरू। उस वाली कढ़ाई को रेडी करना है। लो जी सर, आज का काम खत्म हो गया है। थोड़ी सी धान लगने को और रह गई है तो वो कल लग जाएगी। मैं तो निकल जाऊंगा। अरे क्या हो गया यार, थोड़ा कैमरा गंदा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो मैं तो निकल जाऊंगा सागर के लिए। फिलहाल चलते हैं घर पे। लेट्स गो। इस ट्रैक्टर को धोना भी है, धो के रख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलो घर पे जाके धो के रख देंगे या फिर यहीं पे धो लेंगे। ट्रैक्टर चालू करते हैं और मुझे थोड़ा सा करंट सा भी लगेगा। कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता। मैं रखा मेरा पावर बैंक। आईफोन यूजर के लिए मस्ट है कि भाई साथ में पावर बैंक रखो, क्योंकि साथ बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होता है। पूरे दिन का ब्लॉग नहीं बन पाता अगर पावर बैंक साथ में ना रखो तो। और मैं अभी पानी में गिर गया था फसल के, पूरा फोन पानी में डूब गया और मैं भी पानी में डूब गया। केबल वगैरह जो केबल होती है वो सब पानी में डूब गई। चलो कोई ना, फिलहाल चलते हैं घर पे। लेट्स गो। और जो दवाई है वो अभी भी बहुत ज़्यादा जलन कर रही है पूरे हाथ में और फेस में।